गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार जी। मैं जितेंद्र पाठारे यहाँ का फायर का ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ मैं। और यहाँ पे मैं आपको कहीं पे भी अगर हादसा होता है, फायर होता है, तब हमारे पास जो इक्विपमेंट है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सामने दिख रहा है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर है, उसके बाद में हमारे पास कैनवास होज पाइप है, और यहाँ पे जो इक्विपमेंट लगे ऑटो में जो है वो है स्प्रिंकलर, उसके बाद में अपने पास है स्मोक डिटेक्टर, क्या है स्मोक डिटेक्टर भी लगे हुए, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और फिर बाद में अगर आग लगती है तो हमको एस्केप कैसे करना है, यानी मॉक ड्रिल हम करेंगे, जैसे कि सायरन अलार्म बजेगा उसके वक्त आपको तुरंत हमारा यहाँ का प्रीमाइसेस आपको छोड़ के कहाँ पे जाना है, बाहर निकलना है असेंबली पॉइंट, जिसको जो नज़दीक गिरेगा वो फायर एग्जिट डोर से बाहर निकलेगा और असेंबली पॉइंट की तरफ जाएगा। असेंबली पॉइंट की तरफ क्यों जाना है वहाँ पे, कि वहाँ पे हमारा एक जगह पे हेड काउंट होगा। अभी हमारे यहाँ पे असेंबली पॉइंट दो है, तो हमें ज़्यादा करके पूरे लोग वहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, सामने असेंबली पॉइंट जो है वहाँ पे आके खड़े होंगे, और हमारा जो टीम है उसका हमारा काउंटिंग होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे किसी को भी रखना नहीं है, कोई भी यहाँ पे बचा रहेगा नहीं, जो भी आएगा तो सामने आएगा, तो इसके बारे में मैं आपको सबको जानकारी दूंगा, ठीक है। अभी शुरुआत करते हैं कि आग कैसे लगती है, किसी को जानकारी है आग कैसे लगती है, किन चीज़ों से आग लगती है, कैसे लगती है आग? कोई बता सकता है आग कैसे लगती है? आग एक ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल, त्रिकोण, त्रिकोण यानी ट्रायंगल ऑफ फायर, यानी तीन चीजें जब एक साथ आती है तभी आग लगती है। कौन से वो तीन चीजें? सिक्योरिटी बताएगा। हाँ, CO2, ऑक्सीजन। CO2 ये फायर एक्सटिंग्विशर हमारा, ऑक्सीजन जो हवा आप देखते हो सब जगह पे है, ऑक्सीजन सब जगह पे आपको मिलेगा, बराबर। ऑक्सीजन के वजह से आग लगती है, मगर उसके साथ दूसरा क्या रहेगा? हीट, समझ गए, क्या रहेगा? हीट, गर्मी, उसके बाद फ्यूल, ये तीन एक साथ आएंगे तो ही आग लगेगी, और तीनों में से हम लोग एक को भी हटा देंगे तो क्या आग बुझेगी, क्या बुझेगी? आग बुझ जाएगी, समझ गए सब लोग? सगाना समझ ला, हीट, जोर से बोलो, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीजें एक साथ आते हैं तभी आग लगती है, और इन तीन चीजों में से एक को हम बुझाएंगे तो आग बुझ जाएगी। पहला हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे, यानी ठंडा पानी से हम लोग आग को बुझाएंगे, क्या करेंगे? आग को बुझाएंगे, हीट कूलिंग। ऑक्सीजन सेकंड क्या है? ऑक्सीजन को हम लोग हटाने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे, क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग, यानी आपने देखा रहेगा आग लगी है, हमने उसके ऊपर चादर डाल दी, क्या डाल दी? चादर डाल दी, तो क्या होगा? ऑक्सीजन बुझ जाए, ऑक्सीजन कट होगा और आग बुझ जाएगी, समझ गए? ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे, क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे। हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? आग बुझाता है और ब्लैंकेटिंग करता है, यानी पाउडर की लेयर उसके ऊपर आने के बाद क्या होता है? आग बुझ जाता है, समझ गए सब लोग? ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फ्यूल यानी क्या समझ गए आप लोग? फ्यूल यानी क्या? जिसको लगी हुई आग। अभी हमारे पास पांच प्रकार की आग है, फाइव क्लासेस ऑफ फायर है। एक क्लास ऑफ फायर
का मतलब साधारण आग, म्हणजे लाकडाला लागलेली आग, कपड्याला लागलेली आग और कोयले को कचरे को लगी हुई आग को हम लोग जनरल फायर बोलते हैं, साधारण आग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण आग। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, कपड़ा, क्या है और क्या है, हाँ, कापूस, बराबर। ये ज्वलनशील पदार्थ, क्या है? ज्वलनशील, यानी कभी भी उसके सामने अगर ऑक्सीजन तो है, कभी भी उसके सामने हीट आ गया, माचिस की तीली आ गई, चिंगारी आ गई, तो क्या होगा? आग लग सकती है। तो ये सारे चीजें फ्यूल है, ज्वलनशील पदार्थ है, उसके सामने आना नहीं चाहिए, समझ गए? तो क्या होगा, ये फ्यूल को अगर हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे? फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन, क्या करेंगे? स्टारवेशन करेंगे, क्या करेंगे? स्टारवेशन करेंगे, यानी यहाँ पे आपका एक रैक है, दो रैक है, तीन रैक है, वहाँ पे अगर कुछ लगा हुआ है, हमको अगर आग को फैलाना नहीं है, क्या नहीं है करना है? फैलाना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? स्टारवेशन करेंगे, क्या करेंगे? जोरात बोला, स्टारवेशन, स्टारवेशन करेंगे। स्टारवेशन कैसे करेंगे? उनको साइड में करेंगे, आग से दूर करेंगे, ठीक है? उस ये पहला चीज है। अभी बी क्लास ऑफ फायर है, सी क्लास ऑफ फायर है, डी क्लास ऑफ फायर है, ई क्लास ऑफ फायर है, क्या है? बी क्लास ऑफ फायर यानी पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग, सी क्लास ऑफ फायर है गैस को लगी हुई आग, डी क्लास ऑफ फायर है धातु को लगी हुई आग, मेटल फायर, और ई क्लास यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर। ये सारे चीजें क्या है? फ्यूल है, क्या है? समझ गए? फ्यूल, जिसको लगी हुई आग को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं, बराबर। अगर फ्यूल को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे? स्टारवेशन, क्या करेंगे? स्टारवेशन। तो स्टारवेशन इलेक्ट्रिसिटी की अगर आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? स्टारवेशन कैसे करेंगे, हटाएंगे कैसे? सप्लाई को क्या करेंगे हम लोग? बंद करेंगे, क्या करेंगे? बंद करेंगे। हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, तो हम लोग पहले सप्लाई बंद करेंगे। सप्लाई किसको मालूम है, कहाँ से बंद किया जाता है? मेन स्विच मालूम है आपको? मालूमात अगर नहीं है तो मालूमात करके आपको सबको लेना चाहिए, ठीक है? जो नज़दीकी सप्लाई है वहाँ का, उस जगह का जहाँ पे अगर लगी है, शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ आवाज़ आता है, चिंगारी भड़कती है, तब उसी वक्त पे हमको सप्लाई को बंद करना रहता है, हमेशा ये ध्यान में रखिए। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हमको पानी से हीट यानी कूलिंग ठंडा करना, पानी से, तो आग पानी से नहीं बुझाया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी मंजे, इलेक्ट्रिसिटी की आग अगर लगती है तो हमको पानी से बुझाना नहीं है, नहीं तो शॉक लग जाएगा हमें। तो हमें, हमारे पास कौन सा फायर एक्सटिंक्शर है? ये CO2, कौन सा है? ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके अंदर हमारे पास पाउडर है, क्या है? इसके अंदर पाउडर है और इसके अंदर गैस है। इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए, पेट्रोल डीजल केरोसिन की आग बुझाने के लिए, गैस की आग बुझाने के लिए ये हमारे पास CO2 फायर एक्सटिंक्शर है। उसके बाद में हमारे पास ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंक्शर, उसमें से पाउडर निकलेगी और ब्लैंकेटिंग होगा, क्या होगा? ब्लैंकेटिंग होगा। इसमें से अगर गैस निकलता है तो क्या होगा? क्या होगा? गैस निकलेगा तो क्या होगा? ठंडा होगा, हीट यानी कूलिंग, क्या होगा? कूलिंग। ये क्या काम करता है? कूलिंग करता है, क्या करता है? कूलिंग करता है। और ये ब्लैंकेटिंग करता है, क्या करता है? ब्लैंकेटिंग का मतलब समझ गए ना, चादर उसके ऊपर फैला दिया, आग बुझ गई। अगर किसी को शरीर को अगर आग लगती तो क्या करते हैं? ब्लैंकेटिंग कैसे करते हैं? वो रोलिंग करता है, मालूम है ना, जमीन के ऊपर क्या करता है? रोलिंग करता है। रोलिंग करने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर, जमीन के ऊपर वो लेट जाता है, बराबर। उसके पीछे तो क्या होगा? ऑक्सीजन कट होगा। हमारे पीठ पीछे हमने ऐसे यहाँ पे आग लगी, हमने पीठ दबा दिया, तो क्या होगा? वहाँ पे उसको ऑक्सीजन
नहीं मिलेगा बराबर। यहाँ पे अगर है तो हमने उसके ऊपर सामने रख दिया जमीन के ऊपर, तो क्या होगा, बुझ जाएगा, यानी ब्लैंकेटिंग करता है। तो क्या करता है, ये काम क्या करेगा, ब्लैंकेटिंग करेगा, और ये काम क्या करेगा, कूलिंग करेगा। समझ गए, हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग ब्लैंकेटिंग करेंगे, और फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग जैसे जैसे है हमको स्टारवेशन करना है। क्या करना है, स्टारवेशन। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई बंद करेंगे, और गैस की अगर आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे घर में गैस है कि नहीं, तो कैसे हम लोग क्या करते हैं, वॉल ओपन करने के बाद चालू होता है और बंद करने के बाद बंद होता है, तो वॉल क्या करेंगे हम लोग, बंद करेंगे, क्या करेंगे, वॉल को बंद करेंगे, यानी सप्लाई को हमने क्या किया, रोक दिया। और जहाँ पे अगर गैस लीक है तो वहाँ पे अगर आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाएंगे, नहीं तो ब्लैंकेटिंग यानी गीला चादर लेंगे और गैस जहाँ पे लीकेज है वहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। मगर ये सारी चीज़ें के लिए हीट की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन तो सामने है, फ्यूल भी सामने है, मगर माचिस की तीली यानी चिंगारी कहाँ पे है, कहाँ पे जनरेट, अगर कहीं पे से होती है, शॉर्ट सर्किट से हो गई, चिंगारी गिर गई, बराबर है। उसके बाद में हमने स्मोकिंग किया किसी ने, यहाँ पे है अलाउड है नहीं, तो ये सारी चीज़ें माचिस की तीली हमें यहाँ पे लाना ही नहीं है। गलती से अगर हम लोग लाते हैं तो हम खतरा मोड़ लेते हैं, हमारी जान और सबकी जान को हम लोग खतरे में डालते हैं। समझ गए सब लोग, तो ये चीज़ों से हमको सावधान रखना है। हमारे पास अभी जो फायर एक्सटिंग्विशर है, सबको समझ में आए, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। फ्यूल क्या क्या है समझ में आए सबको, यहाँ पे कपड़े को लगी हुई आग, पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग, गैस को लगी हुई आग, मेटल यानी धातु को लगी हुई आग, और इलेक्ट्रिसिटी को लगी हुई आग, और ऑयल गैस यानी किचन गैस, किचन में जो ऑयल होता है तड़का मारते कभी हम लोग उसको, फिर अगर वो पकड़ लिया आग तो हम लोग क्या करेंगे, ऑयल की आग अगर बुझाना है तो हमको फायर एक्सटिंग्विशर लाना है, नहीं तो ब्लैंकेटिंग ही करना है। समझ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से आग लग सकती है और उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, जो पाउडर से ब्लैंकेटिंग करता है और जो CO2 गैस से कूलिंग करता है और सप्लाई बंद करने के बाद स्टारवेशन होता है। समझ गए सब लोग, अभी हमारे पास ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है, बराबर, क्या लगा हुआ है, स्प्रिंकलर, सब लोग देख सकते हो, रेड कलर का जो पाइप है वो फायर हाइड्रेंट लाइन है, सिस्टम है। मगर ये कहाँ पे है, कितने लंबे है, कितने ऊपर है, वो कैसे फूटता है मालूम है आपको, हाँ कैसे फूटेगा, जब गर्मी पैदा होगी तब क्या होगा, जब गर्मी पैदा होगी तब वो क्या होगा, ब्लास्ट होगा, क्या होगा, ब्लास्ट होगा। कब ब्लास्ट होगा, उस जगह पे आप देख सकते हो, स्प्रिंकलर दिख रहा है आपको ऊपर, वो जो पाइप है उसके ऊपर एक भिंगरी है, बराबर, शॉवर की तरह पानी वहाँ से आएगा, कब आएगा, जब आग की लपेटें वहाँ पे पहुँचेंगी, गर्मी पहुँचेंगी, 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करेगा, कितना 68, कितना 68 डिग्री टेम्परेचर, यानी 70 को दो कम डिग्री क्रॉस करेगा, तब जाके वो ब्लास्ट होगा, क्या होगा, ब्लास्ट होगा, और उसमें से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, पानी में प्रेशर होना चाहिए, जिस तरह से हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर प्रेशर हम लोग कैसे चेक करेंगे, कौन बताएगा, यहाँ पे हरे पे है ना ब्लिंकिंग, हरे पे लगा हुआ है ना, जो निडल पिन है वो हरे पे है, यानी इसके अंदर प्रेशर है, इसके अंदर प्रेशर से क्या निकलेगा, पाउडर निकलेगा, उसके अंदर प्रेशर से क्या निकलेगा, पानी पानी निकलेगा। समझ गए सब लोग, कब निकलेगा,
जब उसके तरफ 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करेगा हीट गर्मी, तब क्या होगा, वो ब्लास्ट होगा और पानी पानी होगा। यानी आग यहाँ पे लगी है, वहाँ पे पहुँचेगी कब, ख़त्म होने के बाद। हमारे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जितने पास आप रखोगे स्प्रिंकलर, उतने अगर पास अगर स्प्रिंकलर रखते हैं तो वो काम का है। यानी एक पूरी तरह आग जल गई, पूरे जल गए, उसके बाद में अगर वो पानी बरसाएगा तो क्या होगा, आग तो बुझेगी, मगर कभी बुझेगी, लास्ट में बुझेगी। तो हमारे पास दूसरा हथियार है, क्या है हमारे पास, स्मोक डिटेक्टर। क्या है स्मोक डिटेक्टर, जानते हो आप लोग स्मोक डिटेक्टर, यहाँ पे कहीं पे लगा है, नहीं लगा है, ज़्यादा करके मेरे ख्याल से ऊपर आकर स्मोक डिटेक्टर लगाते हैं तो कम से कम वहाँ धुआं जाता है तो पता चलेगा, कम से कम नज़दीकी भी अगर स्मोक डिटेक्टर हम लोग लगाते हैं। आप देख सकते हो अंदर ऑफिस के अंदर आप गए रहेंगे तो वहाँ पे एक स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है जिसमें लाइट जलती है, लाइट जलती है रेड कलर की, वो ब्लिंकिंग हो रही है, आपने देखा कभी, अभी उसमें ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ब्लिंकिंग ने ऑलरेडी उसके अंदर धुआं चला गया है और उसको अटेंड नहीं किया। तो वो स्मोक डिटेक्टर क्या करता है, सेंस करता है, क्या करता है, सेंस करता है, क्या करता है, सेंस क्या करता है, वो क्या करता है, सेंस क्या सूंघेगा, वो धुआं, क्या सूंघेगा, धुआं, स्मोक सूंघेगा, उसका काम है, स्मोक डिटेक्टर का काम क्या है, स्मोक सूंघना। तो कहाँ पे लगा हुआ है, ऑफिस में, अगर वहीं पे अगर कुछ होता है, यानी आग लगने से पहले क्या निकलता है, धुआं निकलता है, तो धुआं निकलेगा उसके अंदर जाएगा तब जाके वो क्या होगा, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होगा और क्या होगा, आवाज आएगा, क्या होगा, ये अलार्म जो है लगा हुआ है, अभी जो बजाया था उन्होंने टेस्ट किया मेरे ख्याल से, हाँ उसका था क्या अलार्म, तो अलार्म क्या होगा, बजेगा, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ, यानी हमें मालूम नहीं है मगर स्मोक डिटेक्टर के वजह से हमें क्या पता चलता है कि उस जगह पे धुआं चला गया, आग लगी है, कि धुआं कोई भी धुआं हो, पहले धुआं निकलता है फिर आग लगती है, मगर धुआं कोई भी प्रकार का हो, मिट्टी का भी धुआं अगर है तो भी वो अगर उसके ऊपर चला जाता है, कोई कारपेंटर का काम होता है तो वो भी धुआं उसके अंदर स्मोक डिटेक्टर में अगर चला जाता है, धुआं कोई भी प्रकार का है, तो वहाँ पे क्या हुआ, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ और हमें पता चलेगा अलार्म के वजह से कि वहाँ पे कहीं पे क्या हुआ है, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। ये स्मोक डिटेक्टर भी ऑटो में है, स्प्रिंकलर भी ऑटो में है, यानी हम लोग नहीं रहेंगे तो भी वो अपना काम करेगा। बराबर, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होने के बाद हमें पता कहाँ चलेगा, सिक्योरिटी कौन कब बताएगा, पता कहाँ चलेगा स्मोक डिटेक्टर अगर एक्टिवेट होता है तो, फायर अलार्म बताएगा, मगर कहाँ पे हुआ, वहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, वहाँ पे हुआ, किस कहाँ पे हुआ, उसका एड्रेसेबल पैनल होता है, क्या होता है, एड्रेसेबल पैनल होता है, यानी एक पैनल होता है, उस जगह पे लोकेशन बताया जाता है कि इस जगह पे जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, 3, 4, 5, ऑफिस नंबर 1, केबिन नंबर 1, ऐसा कुछ भी एड्रेस उसमें पैनल में बताया जाता है, दिखाया जाता है, तब जाके हम पढ़ते हैं और उसके बाद में हम उस लोकेशन पे क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, उस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हुआ, एक्चुअली धुआं हुआ है तो धुआं हुआ ही है, मगर आग अगर लगी है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, इस फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बुझाएंगे। सबको समझ में आया, स्मोक डिटेक्टर स्प्रिंकलर ये ऑटो में होता है, और हमारे पास दूसरा फायर हाइड्रेंट लाइन भी है, यानी कैनवास होस पाइप, बड़ी आग लगती है तो अब हमें आखिर में इससे लड़ना होता है। समझ गए सब लोग, समझ गए, अभी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट करना है वो जानेंगे।